और चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से। राजस्थान में इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। 23 नवंबर वो दिन होगा जब राजस्थान की जनता अपनी सरकार चुनेगी और 3 दिसंबर को जो है जनता अपना फैसला सुनाएगी। रिजल्ट 3 दिसंबर को सबके सामने होगा और ऐसे में अब आचार संहिता राजस्थान में लागू हो चुकी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 200 सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी के साथ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसे चुनाव पूरा होने के बाद हटाया जाएगा। मरुधरा में चुनावी रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। 23 नवंबर को वोटिंग का दिन तय हुआ है, वहीं 3 दिसंबर को बाकी के 4 राज्यों के साथ ही मतगणना होगी। राजस्थान where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. बात अगर चुनाव कार्यक्रम की करें तो चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 30 अक्टूबर 2023 है, जबकि नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2023 है। वही नॉमिनेशन जांच की तारीख 7 नवंबर 2023 है। नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2023 है। वोटिंग की तारीख 23 नवंबर 2023 है। मतगणना की तारीख 3 दिसंबर 2023 है। चुनाव आयोग ने राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए खासे इंतजाम भी किए हैं, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। चूंकि राजस्थान की सीमा देश में 5 राज्यों से लगती है, वही राज्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी लगता है, लिहाजा राज्य में 357 चेक पोस्ट भी बनाए गए। साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटरस्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज would get collated and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. Rajasthan mein har saal 5 saal mein satta parivartan ki parampara rahi aur aisa hi pichle chunav mein dekhne ko mila. Halanki kisi dal ko bahumat nahi mila tha, lekin Congress party sabse bade dal ke taur par ubri aur BSP vidhayakon ki madad se सत्ता पाने में कामयाब रही। हालांकि इन 5 सालों में राजस्थान की सियासत में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को, अब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव जंग का आगाज हो गया है, लिहाजा तमाम दल सत्ता के लिए ताल ठोक रहे हैं। सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इसका खुलासा 3 दिसंबर को। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावी आचार संहिता के ऐलान के बाद भरतपुर पहुंचे राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा तारीखों के ऐलान से उन्हें बहुत खुशी है, अब कांग्रेस सरकार के कुशासन का अंत होगा। मीडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जोशी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी आचार संहिता का ऐलान कर दिया है। भरतपुर पहुंचे हैं राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री, बात करेंगे। पहली रिएक्शन सर, आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन तो घोषित हुआ है, मुझे तो बहुत हर्ष है क्योंकि ये जो कुशासन है गहलोत जी का, इसका तो अंत हो रहा है। तो ये आप भी देखे होंगे कि अभी भी कल तक नॉमिनेशन कर रहे हैं, उनको पूरा यकीन हो गया कि मैं फिर से आने वाला नहीं हूं, तो कांग्रेस सरकार आने वाला नहीं है, मैं आने वाला नहीं हूं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगे और ये जो गहलोत जी का कुशासन है उससे लोग मुक्ति पाएंगे। बाकी डिटेल बाकी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। ये थे प्रहलाद जोशी जिन्होंने कहा है कि वो प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी और उन्होंने कहा है कि चुनावी आचार संहिता के ऐलान के बाद उन्हें बहुत खुशी है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह जी, मीडिया भरतपुर। तो चलिए, प्रहलाद जोशी को आपने सुना। अब तमाम नेताओं के रिएक्शन आने लगे हैं जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, और ऐसे में अब सियासी ऊंट राजस्थान में किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। और अरुण शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस बात की खुशी जाहिर की जा रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। कांग्रेस की तरफ से भी ये खुशी जाहिर की जा रही है। लेकिन अब अगर बात की जाए उत्साह की, तो अब तारीखें सामने हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किस तरह का उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट और तैयार है। मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत विनम्रता से पर गर्व के साथ अपना कैंपेन चलाएंगे, अपने जो हमने 5 साल काम किए हैं उनके भरोसे, और भारतीय जनता पार्टी बनी रहे ये सिर्फ रिवाज के भरोसे बैठे हैं, 4.5-5 साल से बैठे हैं, मिजाज नहीं समझ रहे हैं राजस्थान का। वो मिजाज क्या है अरुण शर्मा जी, आप बता दीजिए, राजस्थान का क्या मिजाज है? मैं बता रहा हूँ, इंडिकेशंस बहुत पहले से आ रहे हैं। 9 उपचुनाव में कांग्रेस 7 में जीती है, भारतीय जनता पार्टी 1 में जीती है और आरएलपी 1 में जीती है। ये अलग अलग सालों में हुए हैं और इसमें कोई विविधता आई नहीं है, हर बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। अब ये नहीं समझना चाहें इस बात को तो समझ सकते हैं मिजाज को। राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का भी जो प्रयास था वो राजस्थान ने बड़े फक्र से विफल किया और ये सरकार पूरे 5 साल पूरे कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये इतनी बड़ी लकीर खींची गई है इस बार। पिछली वसुंधरा सरकार से हर क्षेत्र में, आप शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, 5 से 10 गुना काम ज्यादा हुआ है और ये जनता को अब मालूम चल गया। अब आप अगर झूठे प्रचार के भरोसे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी, प्रवक्ता क्या कह रही थी, इनके अरुण जी एक छोटा सा सवाल, अगर एक नंबर अगर देने हो 10 में से तो कितना नंबर देंगे कांग्रेस को? 9.5 को थोड़ा विस्तार से भी बता दीजिए, क्यों देंगे 9.5? ये तो आप देंगे क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पीसीसी के। देखिए, एक सरकार को चुने जाने के जो जो भी वजह होती हैं, जिस वजह से मतदाता एक सरकार से अपेक्षा रख के चुनता है, उस पे 16 आने खरी उतरी है ये सरकार। मैंने आपको पहले भी बताया, 94% से 96% तक जो जो कहा गया है वो कर दिया गया है, और बहुत ही बहादुरी से कोरोना का हमने जो सामना किया राज्य सरकार ने, इसकी तारीफ तो विश्व स्तर पर हो चुकी है, खुद प्रधानमंत्री। चलिए अरुण शर्मा जी, आपने तो अपनी सरकार को नंबर दे दिए। निमिषा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप कितने नंबर देते हैं इस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को? आपकी नजर में कितना, 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? जीरो नंबर दूंगी मैं कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि विफलताओं के आंकड़े इतने बड़े हैं। न जल दिया, न बिजली जो 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट थी, और अब आप देखिए 12 रुपए और 100 यूनिट के नाम पे जो उन्होंने फ्यूल चार्जेस लगाए हैं, और बिजली का बिल बढ़ करके आया है, और ना कृषि कनेक्शंस दिए हैं,
पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा राजस्थान में वेट है, कितने पेट्रोल डीजल जो डेवलपर्स थे जितने भी इनकी, उन्होंने लगातार हड़ताल किए लेकिन इस सोती सरकार जी नहीं, पर और इन्होंने किसी तरह सरकार तो ये कह रही है ना कि हमने महंगाई से राहत दी, महंगाई सबसे ज्यादा है, महंगाई से तो राहत की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, महंगाई से राहत नहीं दी है, महंगाई से आफत दी है। एक आफत के पैसे लगाए थे चलचलाती धूप के अंदर, गर्मी के अंदर राजस्थान की जनता को परेशान किया था और राजस्थान की जनता के साथ में शासन प्रशासन को भी वहां व्यस्त किया था। मैं कह रही हूं ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार डाइवर्जन कर रही है, इन्हें राहत नहीं देनी थी, इन्होंने आफत मचाई है, इतने लोग महंगाई राहत कैंप में धूप चिलचिलाती धूप में अब मर गए। लेकिन सरकार ने लगातार विपक्ष के तौर पर क्या काम किया इन 5 सालों में? हम देखें, हाँ, संगठन में आप देखेंगे तो सेवा ही संगठन हमने अभियान चलाया और हमारे राजस्थान के अंदर कोरोना के समय में 700 से लेकर के 800 के बीच में हमारे कार्यकर्ताओं का देहांत हुआ, लेकिन सेवा ही संगठन अभियान हमारा रुका नहीं। उसके पश्चात अभी यदि जन आक्रोश यात्राएं, परिवर्तन यात्रा जो अभी हमारी निकली है, नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे कैंपेन लगे जहां पर एक प्लेटफॉर्म मिला, पीड़ितों को प्लेटफॉर्म मिला कि हम आपकी आवाज उठाएंगे। कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले जितने जो लोग थे, वो दोनों उनका पीछा करके पकड़ने वाले लोगों को बेसहारा छोड़ दिया कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने। तो जैसे 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 जहां जहां मुद्दे आते रहे, भारतीय जनता पार्टी सक्रियता से लगातार राजस्थान में आम आवाम की आवाज बनती रही। और आप देखिए, सड़कों का निर्माण, वंदे भारत एक्सप्रेस, एम्स, 23 से ज्यादा एम्स, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी बहनों को रसोई गैस देना, सिलेंडर देना, और आप देखिए कि आवास, प्रधानमंत्री आवास हुए, तो लगातार कई योजनाओं के साथ में किसान सम्मान निधि हुई हमारे किसान भाइयों को। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने दिया है और संगठन ने अपनी सक्रियता से राजस्थान की आवाज बनने का जो लगातार निमिषा जी है, उसी मतलब की आप ये चीज मानती है निमिषा जी की कमल खिलने जा जो बीजेपी है, बीजेपी ने एक मजबूत विपक्ष का रूप यहाँ पर अख्तियार करके रखा था, लेकिन पूरे 4 साल में बीजेपी कहीं पर भी ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आई। ऐसे में अब एंड के टाइम में जो अब अंतिम समय है, ऐसे में आप लोगों को यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। आपका ग्राउंड कवरेज ही बताता था कि हमने किस तरह से हर मुद्दे को उठाया। इसीलिए जब विधानसभा के अंदर जब दिव्या मदेरणा बोली चिरंजीवी योजना की पोल खोलते हुए, तो आप देखिएगा कि उनके उनकी खुद की सरकार के मुखिया परेशान हो गए। भाजपा ने सड़क से लेकर के विधानसभा तक हर मुद्दे को उठाया, जिले तहसील पर उठाया, और आप देखिए कि विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन करने के लिए भाजपा की जो कार्यकर्ता लाखों की संख्या में पहुंचे। और आप देखिए, पुजारियों की हत्या की, यहां पर पुजारियों की हत्या पे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। तुष्टीकरण की आड़ में सरकार ने दंगे किए, दंगे जब हुए, दंगे करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में भोजन करवाया गया। तो करौली से लेकर के जिस तरह से जोधपुर, और लगातार दंगे किए गए। और आप ये भी देखिएगा कि राजस्थान के अंदर हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार थे, उसमें धारा 144 लगाई गई, PFI जैसे प्रतिबंधित संगठन को कांग्रेस की सरकार ने रैली करने की अनुमति कोटा में दी। तो ऐसे ऐसे जो सरकार ने लगातार जनता विरोधी कार्य किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी आम आवाम की आवाज बनके, सुरक्षा की आवाज बनके, युवाओं की आवाज बनके इतनी उठी कि कांग्रेस की सरकार को मजबूर होकर के एक विधेयक बनाना पड़ा। लेकिन आवाज फिर तो वसुंधरा राजे की सरकार के टाइम भी उठाई गई थी पार करने वाली कांग्रेस की सरकार। निमिषा जी, आवाज वसुंधरा राजे सरकार के समय भी उठाई गई थी, और तब खाली सिर्फ एक ही यात्रा हुई थी, विजय संकल्प। अब क्या, अब तो यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा हो रही है, कभी आकांक्षा रथ रवाना किए जा रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज है वो राजस्थान में डेरा डाल रहे हैं। ये क्या है, क्यों इस बार आप जनता से सीधे तौर पे कनेक्ट बीजेपी क्यों नहीं हो पा रही है? फिर भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और हमारे राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी नेता एकजुटता से चुनाव के अंदर है। और हमने, आप देखिए पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, आप देखेंगे तो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पहली बार राजस्थान के अंदर
चारों दिशाओं से यात्रा आई है। यहाँ कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस के अंदर तो भरतपुर की कामा तहसील में 200-300 से 500 रुपए में बाइक पर रैली करने वालों को बुलाया जा रहा है ऑन पेमेंट, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कुर्सियां खाली रह जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा में सभाओं में कुर्सियां खाली नजर आई। दोनों तरफ से इस तरह के वीडियो तो कई बार शेयर किए जाते हैं, किसकी बातों में सच्चाई मानी जाए? देखिए, ऐसी कोई सभा नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी की जयपुर की सभा देखी है, जहां पर जितने पंडाल में थे उतने ही भाड़ थे। चित्तौड़ के अंदर देखिए, जोधपुर में देखिए, तो यही तो बात है कि सिर्फ जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी की ही सभा में इकट्ठे हो रहे हैं। कार्यकर्ता देवतुल्य आम आवाम जनता को इकट्ठा करने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री ही कर पा रहे हैं, बाकी कोई नेता किसी में भी इतना दम नहीं है कि जनता को इकट्ठा कर सके। सिर्फ प्रधानमंत्री की सभा में ही भीड़ देखने को मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, एम्स, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से जो रोजगार प्रदान किया जा रहा है, ये वो कार्य हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम है जिसके आधार पर आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी 23 नवंबर को चुनाव जीतेंगे। मिथिलेश जी से सवाल का जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि शायद आप तो दे नहीं पा रही है। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आपने बार बार एक चीज सामने आ रही है। निमिषा जी, लौटूंगी आपके पास, एक बार मिथिलेश जी से जान लूं। मिथिलेश जी, एक चीज सामने आ रही है कि हर सभा में जहां पे जनता को जुटाना है, भीड़ जुटानी है, लोग इकट्ठा करने हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। बीजेपी का अभी तक इस पूरे माहौल में कहीं कोई ऐसा नेता नजर नहीं आया जो कि उतनी भीड़ अकेला जुटा सके। देखिए, निश्चित रूप से एक रीजनल फेस की रिक्वायरमेंट है बीजेपी को, एक बेसिक नीड समझ में आ रही है। अब आप वसुंधरा राजे जी को मनाए ना मनाए, लेकिन आपको याद होगा जब ये भाजपा वाले मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे सतीश पूनिया के नेतृत्व में, और वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन था, तो सालासर बालाजी में 69 एमएलए में से 52 एमएलए पहुंचे थे, यानी एमएलए को कमांड करने की कैपेसिटी तो उनमें थी। और जब ये कांग्रेस के खिलाफ, जब इन्होंने नवाज 25 सितंबर के बाद ज्ञापन देने सीपी जोशी के घर जाते हैं, जो वसुंधरा जी के सामने है, लेकिन वसुंधरा जी उसमें शरीक नहीं होती है, तब इनकी एकता प्रदर्शित होती है। और देखिए, चार साल, साढ़े चार साल, पौने पांच साल में किरोड़ीलाल मीणा को अगर अलग कर दें तो कहीं न कहीं इनके नेता भी कांग्रेस से मिले हुए थे। जो आरोप लगते हैं, सरदार शहर अंतिम उपचुनाव था, उस अंतिम उपचुनाव में जो राजेंद्र राठौड़, बड़े भारी दिग्गज अपने आप को राजनेता कहते हैं, वो जीता नहीं पाए भाजपा को, और वहां थर्ड फ्रंट करने वाली, देखिए जो थर्ड फ्रंट में आरएलपी, वो 47,000 वोट ले गई। तो आपको कहीं कहीं सोचना होगा, ये केवल हवा में बात करने से कुछ नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब आपको ये ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि 2013 में वसुंधरा राजे जी को कहा गया था कि आप आइए और रक्षा मंत्री बन जाइए, और परिकर साहब बने गोवा के मुख्यमंत्री, उसका शायद उन्हें जी बिल्कुल। मिथिलेश जी, आपकी बात से हम यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं, और साथ ही अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बीजेपी का तो मान लिया कि कोई एक चेहरा क्लियर नहीं है, कांग्रेस के पास कौन से वो चेहरे हैं जो कि सभाओं में भीड़ जुटा पाए? देखिए, मैं उससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, अभी निमिषा जी ने काफी लंबे लंबे बातें की हैं जी, कविता कभी पुट रखती हैं वो, जैसे उन्होंने कहा राहत कैंप नहीं है, ये आहत कैंप है। मतलब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब जब भी आते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, 10-15 हजार वोट कटा के बीजेपी के यहाँ से जाते हैं। मतलब जो जो भी अच्छी योजनाएं हैं, वो चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ये राहत कैंप की बात हो, चले अरुण जी रुकना चाहूंगी, क्या कुछ कह रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुनते हैं। ऐसे में 25 दिन रह जाएंगे बाद, उनसे पहले हमारी लिस्ट आएगी। ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम। चलिए, तो अरुण जी हम बात कर रहे थे कि निमिषा जी के बीजेपी प्रवक्ता जितने भी आते हैं उनके बयानों पर आप कुछ कह रहे थे,
बताइए जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब जितना भी ये झूठ का दुष्प्रचार करेंगे ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं और ये सीख रहे हैं कहीं से। देखिए ना, अगर देश का गृह मंत्री जोधपुर की सभा में आके ये कहे कि कन्हैया लाल का जो हत्यारे थे उनको राजस्थान की सरकार पकड़ नहीं पाई, वो तो NIA ने पकड़ा है, तो तथ्य से परे थी ये बात, बाद में पता लगा ये झूठ है। प्रधानमंत्री जी पूछ गए हैं हमसे थोड़े दिन पहले कि जब जोधपुर में दंगे हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी कहाँ थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जोधपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगे कराने के प्रयास बहुत हुए हैं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी सफलता ये भी है कि हमने इनको कहीं भी सफल नहीं होने दी, कोशिश कई जगह की गई हो लेकिन हमने पूरी सद्भावना यहाँ बनाए रखी, उसको ये कुछ भी नाम देता रहे। और मुझे मालूम है कि इलेक्शन में ये जब सब कुछ हारने लगते हैं, एक्सपीरियंस बताता है, तो ये सांप्रदायिक उन्माद, बजरंग बली की जय, ये सब मामले लाए जाते हैं और इसका अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। चलिए अरुण जी,